ઉત્તર ભારતમાં શરૂ થયેલા શ્રાવણ માસ નિમિત્તે દેશના પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરે ઉત્તર ભારતીય સમાજના લોકોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી. ઉત્તર ભારતમાં શ્રાવણ માસનો પ્રારંભ થયો છે. આ શ્રાવણ માસ નિમિત્તે ગુજરાતમાં રહેતા ઉત્તર ભારતીય સમાજના લોકો પણ શ્રાવણ માસ દરમિયાન પૂજા અર્ચના કરે છે. શ્રાવણ માસના પ્રારંભે ઉત્તર ભારતીયો દેવાદિદેવ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરે ઉમટી પડી મહાદેવજી સમક્ષ શીશ ઝુકાવી પૂજા અર્ચના કરી હતી. ધનંજય દવે પૂજાચાર્ય સોમનાથ મંદિર આજ અષાઢ કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપત્તિ તિથિ ઓર ભારત કે મહદ અંશ મેં યાની કે ઉત્તર વિસ્તાર મેં શ્રાવણ માસ કા પ્રારંભ હોને જા રહા હૈ. આજ ઇસી કારણ સે શ્રી સોમનાથ મંદિર મેં ભી ભક્તો કા માનવ મહેરામણ હૈ ઓર પૂજા વિધિ કે લિયે ઉમટ રહે હૈ और अनेक प्रकार की पूजा विधि कर रहे हैं. खास करके जगह कौन सी है, कहाँ आई है और इसका महत्व क्या है? ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर है और भारत के पश्चिम किनारे पर समुद्र तट के सन्निधि में ये जो प्रथम ज्योतिर्लिंग विराजमान है. क्या कहेंगे गुजरात में और दूसरे राज्यों में पहले श्रावण महीना शुरू हो जाता है? ये इसका कारण ये है कि उत्तर भारत में ज़्यादातर लोग चांद्र मास में अनुसरण करते हैं, यानी कि पूनम से पूनम का मास मनाते हैं और हमारे यहाँ सौर मास तक प्रतिपदा से अमावस्या तक मनाते हैं, इसीलिए हमारा जो श्रावण मास है 15 दिन बाद शुरू होता है. आपका परिचय? मैं किरण सक्सेना, पत्नी उमेश कुमार सक्सेना, देहरादून उत्तराखंड से आई हूँ और हमें इस श्रावण मास के प्रथम दिन इस प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का सुअवसर मिला है और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं. और श्रावण मास शुरू हो चुका है और बहुत ही सुंदर दर्शन मिले हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है. यहाँ आकर हमारा जीवन सफल हो गया. हमने अपने सभी जनों के सुख समृद्धि की प्रार्थना करी है और सबका जीवन ऐसे ही सफल हो, हम को ऐसे ही दर्शन मिलते रहें, भगवान की सेवा करते रहें. क्या परिचय सर? मैं उमेश कुमार सक्सेना देहरादून उत्तराखंड से आया हूं और मैं यहां सोमवार आज सावन के प्रथम दिवस को हमने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, इसके लिए मैं अपनों को सौभाग्यशाली मानता हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से कि हमारा परिवार सब सुखी संपन्न रहे और हमारा देश भी समृद्ध रहे.
क्या अनुभूति हुई भगवान सोमनाथ, किसके दर्शन किए आपने आज? आज हमने ज्योतिर्लिंग के प्रथम दर्शन सवेरे चंद्रग्रहण के तुरंत बाद किए हैं और इसके लिए हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं।